गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम हैं जेपीएससी के ऑफिशियल साइट पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 6 जेपीएससी का फाइनल मेरिट लिस्ट था वह झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही जेपीएससी को 8 सप्ताह का समय दिया गया है कि वह फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करे। तो इस पर अब बात कर लेते हैं कि जो 7 जेपीएससी के एस्पिरेंट है उनका यह सवाल था कि क्या इस पर 7 जेपीएससी पर असर पड़ेगा, यानी कि जो कोर्ट का निर्णय है उस पर 7 जेपीएससी पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो जी, मैं आपको यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आपका 7 जेपीएससी है उस पर ज़रूर इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कहीं जो 8 सप्ताह का समय जेपीएससी को दिया गया है वह बिजी होंगे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। तो 7 जेपीएससी में ऑब्वियसली बात है कि जो एग्ज़ाम का डेट है वह थोड़ा बढ़ता हुआ आप लोग को दिखेगा। तो आप लोगों को बस यही कहूँगा कि आप लोग कंटिन्यूसली तैयारी करते रहिए, चाहे एग्ज़ाम डेट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन एक जो पॉसिबिलिटी है कि यह डेट बढ़ेगा ही। तो अब एक बार बात कर लेते हैं 6 जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि वह 10 माह से ट्रेनिंग पर हैं। और साथ ही जो सफल अभ्यर्थी हैं वह और उनके परिजन चिंतित हैं कोर्ट के निर्णय आने के बाद, और वह उनके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। तो इस पर बात आती है कि अब वह क्या करेंगे। तो अब वे कोर्ट के निर्णय पर न्याय के लिए अपील करेंगे। अब सफल अभ्यर्थी न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे ताकि कोर्ट को बता सकेंगे कि पूरी प्रक्रिया में उनकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखना यह है कि आगे का जो डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट का क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।